यार घर पे रहने पर भी मेरी स्किन इतनी डल हो गई है, ये पिंपल्स, कुछ तो करना पड़ेगा। पार्लर भी ओपन नहीं है, लॉकडाउन फिर से पड़ गया। आइडिया, जैसा कि आप लोग ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ क्लीन 5 स्टेप इजी फेस क्लीनअप की। जो कि मैं वीकली मतलब करती हूँ, अपने फेस पे ट्राई करती हूँ, और वो आप लोग के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, शायद उनके लिए भी यूज़फुल हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जैसे कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ अपनी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो विदाउट एनी बकबक चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। हम किसी भी अपने फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करेंगे अच्छे से, जिससे कि हमारा जो ऊपरी डर्ट है वो साफ़ हो जाए और हमें फेस क्लीनअप के आगे के स्टेप करने में आसानी हो। हमें अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश लेना है और उसे अच्छे से मसाज करना है अपने फेस पे 1 मिनट के लिए, और उसको फिर वॉश कर देना। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ खादी का एलोवेरा फेस वॉश, जो कि एलोवेरा जो है वो हमारे स्किन को ड्राई करता है। अगर आपके ऑयली स्किन हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल होगा। आप अपने फेस के हिसाब से कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि आप खादी का ही यूज़ कर सको, आप नेचुरल कोई भी फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, लाइक बेसन एंड हल्दी का पेस्ट। सो हम फेस वॉश करने के बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम लूक वार्म वाटर यूज़ करें, अगर आप लूक वार्म वाटर यूज़ करते हो तो वो और भी यूज़फुल होगा, जिससे कि हमारे डेड स्किन को निकलने में आसानी होगी। बट यहाँ पे मैं नॉर्मल वाटर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने फेस को टॉवल ड्राई कर लूँगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो 5 स्टेप क्लीनअप का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फेस स्क्रब। फेस वॉश से जो होता है वो हमारी जो ऊपरी जो डर्ट होते हैं वही साफ़ होते हैं। हमें डेड स्किन को अगर हटाना है अपने स्किन से तो हमें फेस स्क्रब का यूज़ करना होगा। फेस स्क्रब को आप कोई भी अपना मनपसंद फेस स्क्रब लो और उसे अपने फेस पे 2 to 3 मिनट तक मसाज करो हल्के हाथों से। आपको ज़्यादा रब नहीं करना अपने फेस को, अपने आपको हल्के हाथों से ही मसाज करना है, जिससे कि आपके जो भी डेड स्किन हो वो निकल जाए। यहाँ पे मैं बायोटिक का बायो पपाया फेस स्क्रब यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे फेस को सूट करता है। आप अपने फेस को सूट करने वाला कोई भी फेस स्क्रब यूज़ कर सकते हो। सो आपको अपने फेस को मसाज करना है फेस स्क्रब से अच्छे से, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। उसके बाद आपको थोड़े से ड्राई करना है अपने फेस को, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसको साफ़ कर देना है, फेस को वॉश कर लेना है, और उसके बाद उस आपको ड्राई कर लेना है अपने फेस को, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएं। फेस स्क्रब के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फेस मास्क का। तो हम अपने किसी भी मनपसंद फेस मास्क को लेते हैं और उसे अपने फेस पे अप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम उसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसे नॉर्मल वाटर से रिंस कर देंगे। यहाँ पे मैं वॉ स्किन साइंस का फेस मास्क, चारकोल फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद का कोई भी फेस मास्क यूज़ कर सकते हो। फेस मास्क जो होता है वो हमारे एक्स्ट्रा डर्ट को बाहर करने में और हमारे स्किन को और भी ज़्यादा सप्पल और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं अपने फेस और नेक पे अप्लाई करूँगी फेस मास्क और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। सो
सो आफ्टर फेस मास्क हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फेस टोनर का। फेस टोनिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इतने सारे स्टेप करने के बाद हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो आप फेस मास्क अप्लाई करने के पहले भी आप फेस टोनर यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं फेस मास्क के बाद यूज कर रही हूँ टोनर। इससे क्या होगा कि हमारे जो जितने भी ओपन पोर्स होंगे वो बंद हो जाएंगे और हमारे स्किन में जो भी डर्ट होगा वो हमारे पोर्स में नहीं जा पाएगा। यहाँ पे मैं नेचुरल टोनर का यूज़ कर रही हूँ जो कि है गुलाब जल या रोज़ वाटर, आप जो भी कह सकते हैं। आप किसी भी अलग टोनर का यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, इतने सारे स्टेप अप्लाई करने के बाद हमारे फेस को ज़रूरी होता है कि हम अपने फेस को हाइड्रेट करें, क्योंकि हमने स्क्रब भी किया है और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी अप्लाई किए हैं अपने फेस पे। तो हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। आप अपने किसी भी फेवरेट मॉइस्चराइजर से का यूज कर सकते हो अपने स्किन टाइप के हिसाब से। जैसे कि आपका अगर ड्राई स्किन हो तो आप ड्राई स्किन टाइप फेस ड्राई स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। अगर आपका स्किन ऑयली हो तो ऑयली स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। मेरा स्किन यहाँ पे ऑयली है तो मैं ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ जो ज़्यादा ऑयली ना हो और जल्दी से ऑब्जर्व हो जाए हमारे स्किन में। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जॉनसन बेबी का मिल्क प्लस राइस मॉइस्चराइजर। ये ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, स्किन में जल्दी से ऑब्जॉर्व हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।